दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बन चुकी है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दिल्ली के बहुत सारे खिलाड़ियों ने इस बार शर्म से पानी पानी कर देने वाला परफॉर्मेंस किया है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के उन सभी महान खिलाड़ियों की जो कि इस बार बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के फ्लॉप खिलाड़ियों की लिस्ट में हमने टोटल 11 खिलाड़ियों को शामिल किया है। जी हाँ, पूरे के पूरे 11। और जो 11वें नंबर पर है उसका नाम है अभिषेक पोरेल। दोस्तों, इस खिलाड़ी को ऋषभ पंत के बदले बुलाया गया था और यह सीजन अभिषेक पोरेल का पहला आईपीएल सीजन था, जिसकी वजह से मैं इस खिलाड़ी को फ्लॉप खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहता था। लेकिन जब मैंने इस खिलाड़ी के आंकड़े देखे तो मैं इस खिलाड़ी को फ्लॉप खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किए बगैर नहीं रह पाया, क्योंकि इस खिलाड़ी ने आईपीएल 2023 में 4 मैचों में सिर्फ 8 की एवरेज और 106 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ और सिर्फ 33 रन बनाए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यह इस खिलाड़ी का पहला आईपीएल सीजन था, और तो और ये खिलाड़ी काफ़ी यंग है और इसने अपनी विकेट कीपिंग स्किल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी किया है, इसलिए हम इसको ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 10वें खिलाड़ी की। तो दिल्ली के फ्लॉप खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 10 पर हमने रखा है ललित यादव को। तो इस बार दिल्ली की टीम ने ललित यादव को अब तक 5 मैचों में मौका दिया है, जिसमें ललित जी ने सिर्फ 15 के एवरेज से और 127 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ और सिर्फ 60 रन बनाए हैं, जिसमें ललित जी एक भी बार छक्का नहीं मार पाए हैं। और तो और, ललित जी इस बार बॉलिंग में भी ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 9 की। तो दिल्ली के फ्लॉप खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 9 पर हमने रखा है मिचेल मार्श को। तो इतिहास गवाह है कि मिचेल मार्श इंटरनेशनल क्रिकेट जैसा परफॉर्मेंस आईपीएल में कभी भी नहीं करता है। ये आईपीएल में हर साल फ्लॉप ही होता है, और इस बार तो यह जनाब का फोकस आईपीएल पर था ही नहीं, क्योंकि आईपीएल 2023 के दौरान मिचेल मार्श की शादी थी और यह जनाब शादी में गए तब मुझे लगा कि शादी के बाद इस बंदे का परफॉर्मेंस और भी डाउन जाएगा। समझ रहे हो आप? लेकिन मिचेल मार्श ने मुझे गलत साबित कर दिया, क्योंकि इसने शादी के बाद एक मैच में काफ़ी तगड़ा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस किया था, और वो परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे लगा था कि अगर मिचेल मार्श आईपीएल 2023 से पहले शादी कर लेता तो दिल्ली कैपिटल्स इस बार काफ़ी सारे मैचेस जीत सकती थी। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें नंबर की। तो 8वें नंबर पर हमने रखा हुआ है अमन खान को। दोस्तों, ये वो खिलाड़ी है जिसको दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स में से ट्रेड किया है, वो भी लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के बदले में। और अमन भाई ने इस बार दिल्ली को परफॉर्मेंस करके दिया है 9 मैचों में 14 की एवरेज और 111 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ और सिर्फ 103 रन। और अमन खान का ऐसा परफॉर्मेंस देखने के बाद दिल्ली की टीम केकेआर से एक ही बात कह रही है कि हो सके तो 100-200 ज़्यादा ले लो, लेकिन हमको हमारे ठाकुर साहब वापस कर दो। चलो, ऐसी डील्स तो होती रहेगी। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7वें नंबर की। तो 7वें नंबर पर हमने रखा हुआ है रिपल पटेल को। दोस्तों, इस बार दिल्ली के पास दो पटेल है, एक का नाम है अक्षर पटेल, दूसरे का नाम है रिपल पटेल। और इन दोनों में इतना ही फ़र्क है जितना कि ज़मीन और आसमान में फ़र्क है, क्योंकि इस बार अक्षर पटेल ने दिल्ली कैपिटल्स को बहुत सारे मैचेस जितवाने में कंट्रीब्यूट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ रिपल पटेल ने दिल्ली कैपिटल्स को बहुत सारे मैचेस हराने में कंट्रीब्यूट किया है। बात करें परफॉर्मेंस की तो आईपीएल 2023 में रिपल पटेल ने 5 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 16 की एवरेज और 113 के स्ट्राइक रेट से पूरे के पूरे 49 रन बनाए हैं, जिसमें रिपल पटेल का हाइस्ट स्कोर है पूरे के पूरे 23 रनों का। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 पर हमने रखा हुआ है रोमन पोवेल को। तो दोस्तों, इस बार अगर दिल्ली कैपिटल्स के पास कोई हार्ड हिटर बैट्समैन था तो वो था रोमन पोवेल। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में इस बार रोमन पोवेल बहुत ही कम देखने को मिला है, तो मुझे लगा कि रोमन पोवेल इंजर्ड होगा इसलिए दिल्ली उसको नहीं खिला रही है। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि रोमन भाई तो खा पीकर एकदम मस्त हटे कट्टे है, तो फिर मैंने सोचा कि रोमन पोवेल के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। और यही सोचते सोचते मैं पहुंच गया रोमन पोवेल के आईपीएल 2023 के परफॉर्मेंस तक, और उसे देखने के बाद मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि यह रोमन पोवेल जैसे खिलाड़ी का परफॉर्मेंस है। तो आईपीएल 2023 में रोमन पोवेल ने 3 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 7 रन बनाए हैं, जिसमें पोवेल ने एक भी छक्का नहीं लगाया है, जो कि बहुत बड़ी शॉकिंग बात है, क्योंकि रोमन पोवेल छक्के मारने के लिए जाना जाता है।
और एवरेज और स्ट्राइक रेट पे बिल्कुल नजर मत डालना, क्योंकि यह देखकर युजवेंद्र चहल भी शर्मा जाएगा। इस बार रोमैन पोवेल का ऐसा परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे लगता है कि ये वाला मीम सिर्फ और सिर्फ रोमैन पोवेल के लिए बना है। नहीं नहीं, डरिए मत, मैं सिर्फ देखने में खतरनाक हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के टॉप 5 फ्लॉप खिलाड़ियों की। तो पांचवें नंबर पर जो है उनका नाम है मुकेश कुमार। तो दोस्तों, आईपीएल 2023 शुरू होने से पहले मैं इस खिलाड़ी को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि दिल्ली की टीम ने इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए पूरे के पूरे 5.5 करोड़ रुपये का खर्चा किया था। और इतना खर्चा देखने के बाद मुझे लगा था कि मुकेश भैया इस बार कम से कम 10 से 15 विकेट तो ज़रूर लेंगे, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आई तो मुकेश कुमार तो विकेट्स के लिए तरस गए। आईपीएल 2023 में बहुत सारी ऐसी इनिंग्स थी जिसमें मुकेश कुमार को विकेट्स मिले ही नहीं है। बात करें परफॉर्मेंस की तो आईपीएल 2023 में मुकेश भैया ने 9 मैचों में पूरे के पूरे 10 की इकोनॉमी से केवल 7 विकेट्स ही लिए हैं। और दोस्तों, एक कमाल की बात बताऊँ आपको तो आईपीएल 2023 में मुकेश कुमार की सैलरी भुवनेश्वर कुमार से भी ज्यादा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पर हमने रखा है पांडे जी को, यानी कि मनीष पांडे को। तो दोस्तों, दिल्ली ने इस बार पांडे जी के पीछे भी करोड़ों का खर्चा किया था, और इतना खर्चा देखने के बाद मैं कुछ दिनों के लिए सदमे में चला गया था, क्योंकि पांडे जी वो खिलाड़ी है ही नहीं जिसके पीछे आप करोड़ों का खर्चा करें। पांडे जी को करोड़ों में खरीद कर दिल्ली ने एक गलती तो करी दी थी, साथ ही में दिल्ली ने एक और गलती करी, और वो गलती ये थी कि दिल्ली ने पांडे जी को पूरे के पूरे 10 मैचों में मौका दे दिया, और इन 10 मैचों में पांडे जी ने क्या दिया, 17 का एवरेज, 109 का स्ट्राइक रेट, रन 160, 150, 15 चौके और 3 छक्के। दोस्तों, पांडे जी को फ्लॉप खिलाड़ियों की लिस्ट में देखकर मुझे बिल्कुल भी नयापन नहीं लगा है, क्योंकि पांडे जी जब हैदराबाद में थे तभी भी फ्लॉप हुए थे, लखनऊ में भी फ्लॉप हुए थे, और पांडे जी ने यह सिलसिला दिल्ली में भी बरकरार रखा है। दोस्तों, नंबर 3 पर हमने रखा है राइली रूसो को। दोस्तों, राइली रूसो वो खिलाड़ी है जो दुनिया भर की T20 लीग्स में अपना डंका बजाता है, लेकिन जब भी ये IPL में आता है तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। IPL 2023 में रूसो ने गुस्सा दिलाने वाला परफॉर्मेंस किया है। इस जनाब ने IPL 2023 में 7 मैचों में 21 के एवरेज और 123 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ और सिर्फ 127 रन बनाए हैं, और ऐसा वाहियात परफॉर्मेंस करने के लिए रूसो को दिल्ली ने पूरे के पूरे 4.60 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो इतना खर्चा करने के बाद ऐसा परफॉर्मेंस करने वाले रूसो के साथ दिल्ली और दिल्ली के फैंस एक ही चीज करना चाहेंगे, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर पर हमने रखा है सरफू भैया को, यानी कि सरफराज खान को। दोस्तों, IPL 2023 शुरू होने से पहले सरफराज खान डोमेस्टिक क्रिकेट में तबाही मचा के आया था, और ये सब देख के मुझे लगा था कि IPL 2023 में भी सरफराज खान तबाही मचाएगा, लेकिन मैं भूल गया था कि यह सरफराज खान है जो कि निराश करने में कभी भी निराश नहीं करता है, और IPL 2023 में भी सरफू भैया ने सिर्फ निराश ही किया है। इनको 4 मैचेस खिलाए गए जिसमें इनका एवरेज है 13 का और स्ट्राइक रेट है सिर्फ 85 का। दोस्तों, अगर किसी का एवरेज और स्ट्राइक रेट टेस्ट में भी इतना है तो बहुत ही खराब चीज़ है, लेकिन सरफू भैया ने यह कारनामा T20 क्रिकेट में किया है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं IPL 2023 में दिल्ली ने सरफराज से कुछ मैचों में विकेट कीपिंग भी कराई है। उसके पीछे मकसद यही था, सरफू भैया बैटिंग में तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे तो इनसे विकेट कीपिंग कराते हैं और अपने पैसे वसूल करते हैं, लेकिन सरफराज खान ने विकेट कीपिंग में भी बहुत सारे फंबल मारे थे। तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं इस साल के दिल्ली कैपिटल्स के नंबर 1 फ्लॉप खिलाड़ी के बारे में। तो उस नंबर 1 फ्लॉप खिलाड़ी का नाम है पृथ्वी शो। दोस्तों, पृथ्वी शो के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको पृथ्वी शो का इस साल का परफॉर्मेंस दिखाना चाहूंगा। तो IPL 2023 में पृथ्वी शो का परफॉर्मेंस है 6 मैचेस, 47 रन, 15 का हाइस्ट स्कोर, 050, 8 चौके, 0 छक्के, करीबन 8 का एवरेज और 117 का स्ट्राइक रेट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। दोस्तों, IPL 2023 में पृथ्वी शो की सैलरी 7.5 करोड़ है, यानी कि अगर हम 7.5 करोड़ को 47 रनों से डिवाइड करते हैं तो उसका जवाब करीबन 16 लाख आता है, यानी कि IPL 2023 में पृथ्वी शो द्वारा बनाया गया एक एक रन दिल्ली कैपिटल्स को करीबन 16 लाख में पड़ा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? दोस्तों, पृथ्वी शो का ऐसा परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है जो कि IPL 2023 से पहले रिकी पोंटिंग ने दिया था, जिसमें पोंटिंग साहब ने ख्वाब दिखाया था कि इस बार का IPL सीजन पृथ्वी शो का बेस्ट IPL सीजन होगा।
ख्वाब दिखाता है अम्मा। तो दोस्तों ये है वो 11 खिलाड़ी जिन्होंने इस बार दिल्ली कैपिटल्स को पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहने में और प्लेऑफ्स की रेस से एलिमिनेट करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि यह चैनल मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा और यूनिक IPL चैनल है। और अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों बस अब आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, प्यार फैलाते रहिए, क्योंकि नफरत फैलाने का कोई फायदा नहीं है।